हाई गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग गुड। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अगर आपके घर में शादी आने वाली है, तो अभी रिसेंटली मेरे घर में शादी थी मेरे भाई की, तो आई हैव डन अ शॉपिंग। एंड मैंने मतलब आई एम नॉट इन टू अ वेडिंग शॉपिंग बिकॉज आई फील लाइक वेडिंग की शॉपिंग ऐसी होती है जो आप बार बार आई रिपीट माई क्लोथ्स अलॉट वेडिंग की। एंड मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करती वेडिंग की बिकॉज आई फील लाइक दे आर लिटरली वेस्ट ऑफ मनी। तो आई एम गोना टेल यू वेडिंग एसेसरीज कि आप एक बार खरीदो एंड लिटरली दो या तीन ड्रेसेस की एंड आई स्वेयर यू गुड टू गो फॉर 20-25 फंक्शंस। नॉट इवन किडिंग, आई हैव वोन 3 क्लोथिंग्स फॉर लाइक गुड 6-7 फंक्शंस एंड एक वेडिंग में 3 फंक्शंस होते हैं, यू नो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो पहले नंबर पे है चूड़ियाँ। आई लव बैंगल्स, आई थिंक उसके बिना आउटफिट कंप्लीट नहीं होती है। सो माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इज गेटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ वेलवेट अनब्रेकेबल बैंगल्स। हाउ प्रीटी इट इज, यू नो, आई लव दीज पिंक वंस। सो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपका कलर पैलेट है, आप यू नो, मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ चीजें होती है जो आप खरीदते हो। सो आई थिंक गेटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ आई हैव दूसरे लिए, यू नो, गेटिंग डिफरेंट कलर्स। आप इसको इतने तरीके से पेयर अप कर सकते हो, डिफरेंट लाइक बीच में सिल्वर लगा ली, बीच में गोल्ड लगा ली अकॉर्डिंग टू द सिल्वर या फिर गोल्डन, दो ही तरीके के होते हैं उसमें। एंड उसमें फिर कड़े लगा लिए एंड आई स्वेयर यू कैन मेक 50 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दी सिंपल थिंग्स, फ्रॉम दी सिंपल थिंग्स, फ्रॉम दी सिंपल फ्रॉम दी सिंपल बैंगल्स। एक आपको एक सिंपल, ओके फॉरगेट द सिंपल, कलर्ड प्लेन बैंगल्स वेलवेट वाली एंड यू आर गुड टू गो। इसी में ही आपको कड़े लेने हैं बिकॉज जो उसमें कड़ों की फील आती है ना, वो एक अलग है। देन आई फील लाइक आपको कोड़े से एक्सपेरिमेंट करने हैं, सिल्वर गोल्डन। तो जैसे कि मैंने ये लिए थे, लुक हाउ प्रिटी इट इज, इट हैज दीज मोती एंड पर्ल्स हर किसी के साथ जाते हैं, यू नो। तो ये महंगे थे, इट वॉज 350 के 2, तो ये मुझे 700 रुपए के पड़े हैं। बट एक बार खरीद लिए, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। देन कड़ों के साथ साथ अगेन आई थिंक लटकन वाले आजकल बहुत आ रहे हैं, ये मुझे बहुत सस्ते पड़ गए थे। ये मुझे आई थिंक 200 के 4 आए थे। वन सेकेंड, लुक इट इज सो प्रिटी। तो ये एक मतलब एक आगे लगा लिया, एक पीछे लगा लिया एंड लुक। तो लटकन्स आपके पास होने चाहिए गोल्ड सिल्वर अगेन। अब एक बार मैंने ये खरीद लिया है एंड मुझे नहीं लगता कि अब मैं 15-20 फंक्शंस के लिए कुछ भी खरीदने वाली हूँ, ठीक है। एक आपका अगेन, एक सेकेंड, इग्नोर माय ऑयली हेयर डूड, इट्स सो बैड। एंड एक सिल्वर में, यू नो, बस आपको आगे लगाना है एंड ये इतने ज्यादा प्रिटी लगते हैं, यू नो, कंप्लीट लुक हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, एक सिल्वर में ले लिया, गोल्ड में ले लिया एंड उसके बीच में बैंगल्स लगा ली, सॉर्टेड, ठीक है। फिर आप डिफरेंट कड़े ले सकते हो, जैसे कर लेते हैं, लुक कितने प्रिटी है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे, लुक कुछ कड़े लेने हैं और बैंगल्स हैं। मूविंग टू नंबर 2 इज आई थिंक अ पर्स। एक सिंपल पर्स ले लो या दो ले लो, अगेन सिल्वर एंड वही। दिस इज आई गॉट एंड ये मुझे सिर्फ 200 रुपए का मिला था एंड यू कैन सी इट हैज दिस गोल्ड स्पार्कलिंग थिंग प्लस विद अ चेन एंड यू जस्ट वोर इट लाइक दैट एंड लुक्स प्रिटी। यू कैन ऑल्सो हैंड लाइक दैट एंड ये हर किसी के साथ चला जाता है। आई थिंक एक ऐसा पर्स जरूर होना चाहिए, मुझे बहुत चीप में मिल गया था सिर्फ 200 रुपए में। सो या आई थिंक अ पर्स इज मस्ट, एक या दो ले लो पर्स। आई थिंक मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगी वेडिंग के पर्स। और नंबर 3 इज अ वॉच, बिकॉज अगर आप दोनों साइड में चूड़ी नहीं पहनते तो आप एक में चूड़ी पहन लो और एक में वॉच पहन लो। सो सिंपली मैंने ये ली थी, 100 रुपए की थी, सीके की एंड इसमें थोड़ा सा मतलब वेडिंग का एक टच होना चाहिए, जैसे इसमें ना वो है स्टोन्स हैं, सो ये मतलब अच्छे लगते हैं।
यू नो, तो एक हाथ में वॉच पहन लिया. आई विल शो यू लुक. मतलब इट लुक्स एलिगेंट, इट लुक्स वेरी एलिगेंट. कि एक मतलब इंगेजमेंट में मैंने देखा ज्यादातर लोग इंगेजमेंट में करते हैं कि एक में वॉच पहन ली, एक में चूड़ी पहन ली, बट आप शादी में भी कर सकते हो. सो आई थिंक वन इज इनफ. तो ये मैंने रोज गोल्ड में ले ली थी बिकॉज आई थिंक इट गोज विद अ लॉट ऑफ आउटफिट्स. बट अगेन आप सिल्वर या फिर एक ब्लैक में भी चलती है आजकल, एक ब्लैक में ले लो, व्हाटएवर. द नेक्स्ट मेरे लिए आई थिंक इट्स ऑन द टॉप लिस्ट इज टू गेट अ मल्टी कलर बिंदीज. आई लव बिंदीज. ओके, मतलब छोटे वाली जो साइज आती है ना, बिल्कुल छोटा सा साइज होता है. आई लव बिंदी. आई कैन नॉट गो इन अ वेडिंग विदाउट अ बिंदी. इट कम्प्लीट्स योर लुक. इट लुक्स सो प्रिटी देसी. आई कैन नॉट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद बिंदीज. तो छोटा साइज ले लो, या तो आप मल्टी कलर में ले सकते हो, या फिर आप इवन ब्लैक में ले सकते हो. इवन ब्लैक लुक्स गुड, व्हाटएवर इट इज. पर बिंदी इज लाइक, एक बार ले ली बस ही कहीं नहीं जाने वाली. ओके, द नेक्स्ट इज ऑफकोर्स इयर रिंग्स. इयर रिंग्स के बिना वो ऑफकोर्स आपको आई थिंक मैचिंग की लेनी पड़ती है. बट कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आप बहुतों पे पहन सकते हो, लाइक समथिंग लाइक दिस. इट इज ब्राउन विद सिल्वर. ब्राउन कलर आई थिंक बहुत ज्यादा चल रहा है, वाइन बर्गंडी टाइप्स. बट मैंने अभी दो ली थी एंड आई एम इन लव विद दिस. लुक एट दिस, इट इज सो प्रिटी, इट इज सो गुड. I love this. It was for just 150. So मुझे इतना प्यार हो गया था. तो जो मेरी थर्ड आउटफिट थी ना, उसका मैं दूसरी लाई थी, बट मुझे लगा करके ये सेम चीज ले ली वाइट में, बिकॉज आई वॉज जस्ट आई डोंट नो, सॉरी पता नहीं, यू नो इट लुक्स सो प्रिटी डूड, लाइक लुक एट दिस यार. अगेन 150 में. So I think whatever it is, get something nice. Bracelets. अगर आप watch नहीं पहन रहे हो तो आप bracelet is the next option. तो ये मैंने लिया था gold में and it looks nice. आप you know watch की जगह पहन सकते हो. एक में चूड़ी पहन ली, एक में ये पहन लिया, फिर एक में कड़े पहन लिया और एक में ये पहन लिया. It looks nice. And again silver. और एक मैंने रिंग प्लस जो ब्रेसलेट आता है, एक मैंने उस स्टाइल में ले लिया था. एंड ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, जस्ट सिंपली आपको मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है ये. सिंपली आपने ऐसे पहन लिया, लुक सिंपल एलिगेंट येट सो प्रिटी. सो ये आई थिंक 100 या 150 ऐसे का कुछ था. तो या यू नीड टू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो सिंपली मैंने एक सिल्वर एंड गोल्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, दो चीज आपके पास होनी चाहिए. इससे आपकी हर आउटफिट पर वो चली जाती है, यू नो, बिकॉज गोल्ड का बेस होता है. आर द रिंग्स, तो अगेन गोल्ड सिल्वर. तो आजकल ये चल रही है सिंपली एक एक हाथ में पहन ली एंड एक हाथ में पहन ली, यू नो सिंपल. ज्यादा मतलब कई लोग पहनते दो तीन चार पांच. तो आई फील लाइक ये चल भी रही है एंड आई फील लाइक इट्स वेरी इजी. एंड अगेन एक मैंने सिल्वर में ले ली, लुक इट्स लुक या. सो फाइनल आर द फुटवेयर्स. अगेन मुझे फुटवेयर भी इतने ज्यादा नहीं पसंद. तो गेटिंग लाइक अ जुत्ती इज समथिंग आई रियली लाइक. एंड वो दिखते भी नहीं है, प्लस यू नो आजकल जो लहंगे होते हैं मैं प्रेफर करती हूँ कि वो नीचे तक टच हो, तो वैसे दिखते तो नहीं है. बट इज जुतीज 350 रुपीज में आई थी जुतीज आजकल है. तो अगेन मैंने तो ये एक ही ली थी एंड एक आउटफिट के नीचे मैंने तो वाइट शूज पहने थे, कम्फर्टेबल. प्लस वो दिखते ही नहीं है, यू नो, प्लस मुझे कोई हाइट का इशू नहीं है. आई प्रेफर फ्लैट शूज जिससे मैं कम्फर्टेबल रहूँ. एंड या दीज वर या 10 almost like 10 things ho chuki hai. So yeah, these were like 10 things that I got very cheap and something you can use literally again and again and again and again, and it will go literally with each and every outfit.
सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. आई रिकॉर्डेड द आउटरो एंड सम हाउ इट जस्ट गॉट डिलीटेड. सो हियर आई एम जस्ट फिल्मिंग द थंबनेल. सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो. होप यू लाइक इट. इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.